सर आप यहाँ पर प्रेस क्लब पर आज जो प्रेस ऑर्गेनाइज किए प्रेस वालों से, आपका क्या मकसद था जब कि आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमको हमारा जो ड्राइंग है, मेरा नाम धर्मराज कनौजिया है, मैं महालक्ष्मी धोबी घाट से हूँ। हमारा मांग ये है कि जो हमारा ड्राइंग एरिया है, जो हमारी सुखाने की जगह है, जहाँ हम धोबी घाट में कपड़ा धोते हैं और उसको सुखाने के लिए, जो हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तभी क्या रस्सी जो दिया गया था ड्राइंग एरिया, वो हमारा जो ओमकार बिल्डर ने हड़प लिया है, वो हमको रिटर्न चाहिए। हमारी यही मांग है कि वो जगह हमको रिटर्न चाहिए। वो जब हम जगह मांगने के लिए केस किए हैं, कोर्ट में गए हैं, तो उसके लिए हमको टॉर्चर किया जा रहा है। जो हमने धोबी घाट में जगह कपड़ा रखने के लिए जो जगह बनाया है, उसको तोड़ा जा रहा है। किस तरह से आपको टॉर्चर किया? हमारे ऊपर लेडीज़ का झूठा कंप्लेंट कि हमको छेड़ा, हमारे ऊपर हाथ डाला और झोपड़ा इलीगल बनाया और झगड़ा किया, लफड़ा किया, इसको मारा, ऐसे FIR NC डाला जा रहा है। रात को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि किधर है तू, क्या कर रहा है, ये सब तरीके के टॉर्चर किए जाते हैं। आपने वहाँ के स्थानीय लोगों नेता से मिलने की कोशिश किए? वहाँ के नेता से मिले, उन्होंने एक दिन तो मेरे ऊपर FIR दर्ज करने जा रहा था एक बैनर लगाने के ऊपर, तो वहाँ के कुशले साहब जो माजी शाखा प्रमुख है, उनके द्वारा मुझे छुड़ाया गया पुलिस स्टेशन से। हमारे देखें नगर सेवक किशोरी ताई पिंडिकर है, वो हमारा कुछ भी सहयोग नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्डर के साथ में है। और जो हमारे यहाँ जो चेयरमैन संतोष कनौजिया, जिन्होंने करोड़ों का घपला किया, यहाँ तक कि हमारे सोसाइटी का भी पैसा सब खा लिया, वो उसके साथ में है। आपके आमदार कौन है? सुनील शिंदे, हमारे आमदार सुनील शिंदे है। वो उनके पास गए थे? आप उनके पास गए थे, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे, ऐसा हम लोग कहा है हम लोग। आपका क्या मकसद था जब कि आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमको हमारा जो ड्राइंग है, मेरा नाम धर्मराज कनौजिया है, मैं महालक्ष्मी धोबी घाट से हूँ। हमारा मांग ये है कि जो हमारा ड्राइंग एरिया है, जो हमारी सुखाने की जगह है, जहाँ हम धोबी घाट में कपड़ा धोते हैं और उसको सुखाने के लिए, जो हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तभी का रस्सी जो दिया गया था ड्राइंग एरिया, वो हमारा जो ओमकार बिल्डर ने हड़प लिया है, वो हमको रिटर्न चाहिए। हमारी यही मांग है कि वो जगह हमको रिटर्न चाहिए। वो जब हम जगह मांगने के लिए केस किए हैं, कोर्ट में गए हैं, तो उसके लिए हमको टॉर्चर किया जा रहा है। जो हमने धोबी घाट में जगह कपड़ा रखने के लिए जो जगह बनाया है, उसको तोड़ा जा रहा है। किस तरह से आपको टॉर्चर किया जाता है? हमारे ऊपर लेडीज़ का झूठा कंप्लेंट कि हमको छेड़ा, हमारे ऊपर हाथ डाला और झोपड़ा इलीगल बनाया और झगड़ा किया, लफड़ा किया, इसको मारा, ऐसे FIR NC डाला जा रहा है। रात को पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि किधर है तू, क्या कर रहा है, ये सब तरीके के टॉर्चर किए जाते हैं। आपने वहाँ के स्थानीय लोगों नेता से मिलने की कोशिश नहीं की? ये वहाँ के नेता से मिले, उन्होंने एक दिन तो मेरे ऊपर FIR दर्ज करने जा रहा था एक बैनर लगाने के ऊपर, तो वहाँ के कुशले साहब जो माजी शाखा प्रमुख है, उनके द्वारा मुझे छुड़ाया गया पुलिस स्टेशन। नगर सेवक कौन है और उनसे आपने हेल्प नहीं मांगी? हमारे देखें नगर सेवक किशोरी ताई पिंडिकर है, वो हमारा कुछ भी सहयोग नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्डर के साथ में है। और जो हमारे यहाँ जो चेयरमैन संतोष कनौजिया, जिन्होंने करोड़ों का घपला किया, यहाँ तक कि हमारे सोसाइटी का भी पैसा सब खा लिया, वो उसके साथ में है। आपके आमदार कौन है वहाँ पे? सुनील शिंदे, हमारे आमदार सुनील शिंदे है। तो उनके पास गए थे आप? उनके पास गए थे, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे, ऐसा हम लोग कहा है। हमने बताइए, जरा जोर से बोला। नमस्कार, मेरा नाम भिक्षापति मलाना रासकुंडा है, 7 रास्ता 2 बिगाड़ साहेब नगर से है। सर मेरे साथ तो बहुत कुछ घटना हुआ है। वहाँ का संतोष कनौजिया बिल्डर के साथ मिलकर मैनेजमेंट किया है, वो क्या कमिटमेंट उसने किया, क्या अग्रीमेंट किया, क्या लिख के लिया उसने, लेकिन दो भी लोगों के साथ नाइंसा भी ऐसा किया उसने कि सबको एक भरोसा रखे रखा था, एक विश्वास का घात किया उसने। लास्ट में वो अपना
बैंक बैलेंस फुल कर करके धोबी लोग का गर्दन काट दिया उसने। तो हमने धोबी लोग का हक का जो ईद के केस 99 में उमाशंकर मिश्रा था, उसने धोबी लोग हक के लिए बीएमसी से केस किया। बीएमसी के ऊपर धोबी घाट और मैदान हमारा धोबी का है, धोबी का होना चाहिए। ऐसा वो केस इतना दिन चला, 2007 में उमाशंकर मिश्रा का इंतकाल होने के बाद संतोष कन्हैया को टेम्पोरवारी पोस्ट पर बिठाया था कि कोई ये केस संभालने के लिए। लेकिन उसने धीरे धीरे अंदर अंदर अपने जो भी साथी लोग का सोसाइटी का लीडर लोग के साथ चारून के साथ लेके पैसे का बल पे हर चीज़ को यूज़ करके उसने वो इलेक्शन भी किया है। तो किसी मेंबर को नहीं मालूम, जो भी घाट के 731 पत्थर मालिक है वो उसमें से किसी को नहीं मालूम। वो अपने पैसे का दम पे, दादागिरी का दम पे, गुंडागर्दी से इलेक्शन किया, इतना दिन उसने चला। तो 2015 में ओमकार बिल्डर वहाँ पे आया डेवलप करने को, साहिबाबा नगर धोबी घाट। तो जो धोबी घाट में जो बिल्डर आया होगा है तो धोबी लोग का जगह डायर या सुखाने के एरिया डेवलप करने नहीं आया उसने, वो तो जोबरपट्टी डेवलप करने आया। मगर वहाँ का संतोष कन्हैया मिलकर धोबी लोग का 7724 स्क्वायर मीटर जमीन को हड़पने का धांधली उसने किया है। धोबी लोग ऊपर जुर्मी लगा के धांधली अत्याचारी मारामारी का धमकी, तेरे को मारेंगे तुम सुनता नहीं है, तुम्हारा रस्सी छोड़ दो बाद में तुमको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम गांव से लेके आए थे क्या, ये सब चीज़ होते होते सर हम तो बहुत से लोग को दरा धमका के एक जगह शिफ्टिंग में उसने डाला है, टेम्पररी शिफ्टिंग दिखाया। जबकि वो लोग को बीएमसी में ऐसा भरोसा दिलाया कि मैं बीएमसी में लिख के दे रहा हूँ, देखो बीएमसी में तो सबका है, आप सबको मालूम है, वहाँ ले जा करके खाली टेम्पररी पेपर बना के लोगों को साइन सिक्का ऐसा मरवा के दिया है, बिल्डर का स्टाम्प है। उस स्टाम्प पर कोई भरोसा हमने किया नहीं, हमने बोला हमारा सीट सिस्टम से कोर्ट कसीर से लिख के दे दो, हमारा पिटीशन ऑलरेडी कोर्ट में। हाँ तो हमने वही बता रहा हूँ, हमारा साथ वही हुआ है कि हमने लिख के लूंगा, हमारा मैटर कोर्ट में ऑलरेडी है, कोर्ट ने जो न्याय दे देंगे, नहीं तो कोर्ट में ले चल के लिख के दे दो, इतना हमारा बोलने के बाद हमारा रस्सी जो तोड़ा उसके बारे में बताओ। हाँ तो हमने मांगा उसको लिखकर, तो उसने बोला ये जो हम लिख के दे रहे हैं वो ले लो, नहीं मानते हम तुम्हारा रस्सी काट देते हैं, तेरे को जान से मार देते हैं। तो हमने बोला ठीक है, जब हमारा रोजी रोटी चले जाने के बाद जान जाएगी रही के क्या मतलब होगा मैडम, रोजी रोटी खाने भी अगर मरेंगे इससे अच्छा पहले ही मरेंगे, मारो फिर। तो वो लोग ने हमारा रस्सी काट दिया है, जो डायरी में सुखाने का हमारा जो हक्का है वो काट करके उधर खड्डा मार दिया है। तो हमारा घर है उधर, वो घर को बिना नोटिस दिए तोड़ दिया। मेरा नाम भिक्षापति है। नमस्कार, मेरा नाम भिक्षापति मल्लना राजकुंडा है, 7 रस्ता 2 बिगाट साहिब नगर से। सर मेरे साथ तो बहुत कुछ घटना हुआ है, वहाँ का संतोष कन्हैया बिल्डर के साथ मिलकर मैनेजमेंट किया है, क्या कमिटमेंट उसने किया, क्या अग्रीमेंट किया, क्या लिख के लिया उसने, लेकिन दो भी लोगों के साथ नायक साहब भी ऐसा किया उसने कि सबको एक भरोसा रखे रखा था, एक विश्वास का घात किया है। लास्ट में वो अपना बैंक बैलेंस फुल कर करके दो भी लोग का गर्दन काट दिया उसने। तो हमने दो भी लोग का अब का जो ईद के केस 99 में उमाशंकर मिश्रा था, उसने दो भी लोग हक के लिए बीएमसी से केस किया। बीएमसी के ऊपर धोबी घाट और मैदान हमारा धोबी का है, धोबी का होना चाहिए। ऐसा वो केस इतना दिन चला, 2007 में उमाशंकर मिश्रा का इंतकाल होने के बाद संतोष कन्हैया को टेम्पोरवारी पोस्ट पर बिठाया था कि कोई एक केस संभालने के लिए। लेकिन उसने धीरे धीरे अंदर अंदर अपने जो भी साथी लोग का सोसाइटी का लीडर लोग के साथ चारून के साथ लेके पैसे का बल पे हर चीज को यूज करके उसने वो इलेक्शन भी किया है। तो किसी मेंबर को नहीं मालूम, जो भी गार्ड के 731 पत्थर मालिक है वो उसमें से किसी को नहीं मालूम। वो अपने पैसे का दम पे, दादागिरी का दम पे, गुंडागर्दी से इलेक्शन किया, इतना दिन उसने चला। तो 2015 में ओमकार बिल्डर वहाँ पे आया डेवलप करने को, साहिबाबा नगर धोबी घाट। वो जो धोबी घाट में जो बिल्डर आया हुआ है तो धोबी लोग का जगह टायर या सुखाने के एरिया डेवलप करने नहीं आया उसने, वो तो जोबरपट्टी डेवलप करने आए। मगर वहाँ का संतोष कन्हैया मिलकर धोबी लोग का 7724 स्क्वायर मीटर जमीन को हड़पने का धांधली उसने किया है। धोबी लोग ऊपर जुर्मी लगा के धांधली अत्याचारी मारामारी का धमकी, तेरे को मारेंगे तुम सुनता नहीं है, तुम्हारा रस्सी छोड़ दो बाद में तुमको रिजर्वेशन मिलेगा,
नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, तू गांव से लेके आए थे क्या? ये सब चीज होते होते सर हम तो बहुत से लोग तो डरा धमका थे, एक जगह शिफ्टिंग में उसने डाला है, 10 फरवरी शिफ्टिंग दिखाया, जबकि वो लोग को बीएमसी में ऐसा भरोसा दिलाया कि मैं बीएमसी में लिख के दे रहा हूँ। देखो बीएमसी में तो सबका है, आप सबको मालूम है, वहाँ ले जाकर के खाली टेम्पररी पेपर बना के लोगों को साइन सिक्का ऐसा मरवा के दिया है, बिल्डर का स्टाम्प है, वो स्टाम्प पर कोई भरोसा हमने किया नहीं। हमने बोला हमारा चीज सिस्टम से कोर्ट कैसे से लिख के दे दो, हमारा पिटीशन आ गया। आपके साथ सर क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ? हमने वही बता रहा हूँ ना, मेरे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ वही हुआ है कि हमने लिख के लूंगा, हमारा मैटर कोर्ट में ऑलरेडी है, कोर्ट ने जो न्याय दे देंगे, मेरे को कोर्ट में ले सकते लिख के दे दो, इतना हमारा बोलने वो हमारा रस्सी जो तोड़ा उसके बारे में। हाँ तो हमने मांगा उसको लिखकर, तो उसने बोला ये जो हम लिख के दे रहे हैं वो ले लो, नहीं मानते हम तुम्हारा रस्सी काट देता है, तेरे को जान से मार देता है। तो हमने बोला ठीक है, जब हमारा रोजी रोटी चले जाने पर जान जाएगी रही तो क्या मतलब होगा मैडम, रोजी रोटी खाने भी कर मारेंगे, इससे तो पहले मारेंगे, मारो फिर। तो वो लोग ने हमारा रस्सी काट दिया है, जो डायरी में सुखाने का हमारा जो हक है वो काट करके उधर खड्डा मार दिया है, तो घर है उधर। आपका नाम क्या है? बिना नोटिस दिए तोड़ दिया सर। आपका नाम? मेरा नाम भिक्षापति है। पेपर भी पता चाहिए कि प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है आज के पेपर में। अच्छा वो टाइम्स ऑफ इंडिया वो खुलेंगे तब तक आपका कोई नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट के डी थॉमस है। लास्ट 3 महीने से इनका केस लड़ रहा है। देखिए दिस इज अ केस टचिंग द बेस, दिस इज अ केस। मेरा नाम एडवोकेट के डी थॉमस है, मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट 3 महीने से धोबी का केस में मैं इन्वॉल्व हो गया है। देखिए अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ केस टचिंग द बेसिक राइट टू लाइफ ऑफ धोबीज, दोज हु आर वर्किंग ऑफ धोबीज लास्ट 4 जनरेशन, एंड दिस लैंड इज डिमार्केटेड फॉर दम स्पेशली, एंड नाउ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो हैंड इन ग्लो विथ द बिल्डर taking away the property which is demarcated for the Dobis are taking away for development and for the purpose of making huge profit by Omkar Builders. सर नाम बताइए। मेरा नाम नरेश तड़कापल्ली है, मैं धोबी हूँ, महालक्ष्मी धोबी घाट से। हमारा मेन मुद्दा है यह है कि हम 731 लोग का स्टोन होल्डर है, पत्थर मालिक। हमारा 5000 परिवार चलते हैं हमारा डेली पत्थर पे, हमारा रोजी रोटी कपड़ा धोने का, वो कपड़ा धोबीघाट में धोता है, साई बाबा नगर में हमारा सुखाने का जगह है, हमारा ब्रिटिश जमाना से हमारा जगह है, वो जगह डेवलपमेंट के जरिए ओमकार बिल्डर ने लिया है। 7724 स्क्वेयर मीटर हमारा धोबी घाट का जो कपड़ा धोता है वो सुखाने का जगह को अड़प लिया है, वो अड़प लेने के बाद हमारा रोजी रोटी खतरे में है। हम कपड़ा सुखाने का जगह ही नहीं तो हम कपड़ा कहाँ सुखाए, इसीलिए हम आपके इधर प्रेस में आया है कि हमारा मांग है सरकार से तक आप पहुँचाए, क्योंकि हमारा जगह हमको दिलाया जाए ओमकार बिल्डर से और बीएमसी से। मैं यही विनती करता हूँ हमारा धोबियों का रोजी रोटी चले, इसीलिए मैं आपसे सरकार से यही मांग करता हूँ कि हमारा 7724 स्क्वेयर मीटर की जगह धोबीघाट सुखाने धोबी लोगों को सुखाने के दिया हुआ रिजर्वेशन प्लाट को हमको दिया जाए। अच्छा आपको इस तरीके से न्याय नहीं मिला तो आप कुछ आंदोलन वगैरह करने वाले हैं? हम हमारा रोजी रोटी खतरे में है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, अगर नहीं हमको भरोसा नहीं मिलेगा हम अपने आप हम सब धोबी इकट्ठा होके हम आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हमारा रोजी रोटी छीना तो हम क्या करें, हम सब जन मिलके हम हमारा रोजी रोटी सब सरकार नहीं सुनेगा, बीएमसी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुना तो हम क्या करें, हमारा रोजी रोटी भूखा मरने से हम सब अच्छा हम सब जन आत्महत्या कर ले तो वो सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हम कितना इतना परेशानी में है ना, हम सब धोबियों को डरा के धमका के सब हम धोबी अनपढ़ है, अनपढ़ सब अनपढ़ है, हम खाली हमारा कपड़ा धोने के सिवा हम किधर जाता भी नहीं है, हम 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा तो सुबह 4 बजे उठ के रात को 10 बजे तक हम
कपड़ा लेके आना, सब धो के फिर उधर ग्राहक को देना, हम डेली का यही काम है। हम बाहर का दुनिया देखने नहीं जाते, इसीलिए हमारा फायदा जो संतोष कनौजिया चेयरमैन था धोबी का, जो हित में लड़ने वाला, उसका फायदा पूरा उठा के धोबी को है ना बेरोजगार कर दिया। हम 1890 से जो ब्रिटिश जमाने के 128 ईयर से हमारा धोबी घाट था, क्योंकि ब्रिटिश जमाने में बना के दिया हमको। हमारा चार पीढ़ी उधर निकल गया, हम पांचवा पीढ़ी है। हम राइट टू लिव तो धोबी का कपड़ा धोबी कपड़ा धो के जीना है, वो है हमारा राइट टू लिव। को हड़पने तो हम क्या करें। मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लास्ट 3 महीने से धोबी का केस में मैं इन्वॉल्व हो गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ केस टचिंग द बेसिक राइट टू लाइफ ऑफ धोबीज, दोस हु आर वर्किंग ऑफ धोबीज लास्ट 4 generations, एंड दिस लैंड इज डिमार्केटेड फॉर दम स्पेशली, एंड नाउ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स also hand in glove with the builder, taking away the property which is demarcated for the dobis, are taking away for development and for the purpose of making huge profit by Omkar Builders.